गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग घर पर सभी अच्छे से होंगे। बच्चों आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड वन अनमोल रत्न भाग एक से पार्ट चार सात चिड़िया पढ़ाऊंगी। बच्चों पेज नंबर 19 खोलिए। सात चिड़िया। एक पेड़ पर सात चिड़िया रहती थी। उनमें गहरी मित्रता थी। वे कहीं भी जाते सब साथ साथ जाते। उनमें से एक छोटी चिड़िया थी जिसे कम दिखाई देता था। सातों चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर चली गईं। वहां उन्हें कुछ अनाज का दाना दिखाई दिया। वे दाना चुगने लगी। उसी समय सामने आ पहुंचा एक बहेलिया। चिड़ियों ने चिल्लाया, बहेलिया बहेलिया। छोटी चिड़िया डर गई। कुछ देर बाद छोटी चिड़िया बोली, डरो नहीं दीदी, मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों की पंखों की आवाज सुनकर उड़ूंगी। ज्यों ही बहेलिया आगे बढ़ा, जाल फेंका, सातों चिड़िया फुर से उड़ गई। बहेलिया देखता रह गया। बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमको एक साथ मिलकर करने से सफलता मिलती है। बच्चों पेज नंबर 20 खोलिए। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़े और समझे। चुगती खाती, झुंड समूह, बहेलिया पशु पक्षियों को पकड़कर मारने वाला, समीप पास नजदीक। क्वेश्चन नंबर 2, क पेड़ पर कितनी चिड़िया रहती थी। पेड़ पर सात चिड़िया रहती थी। ख किसे कम दिखाई देता था। छोटी चिड़िया को कम दिखाई देता था। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी के आधार पर सत्य कथन के सामने सही का निशान तथा असत्य कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। बच्चों ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें सही गलत का निशान लगाना है। पेज नंबर 22 खोलिए। बच्चों चित्र देखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों ये जो चित्र दिया हुआ है इसको देखकर यहाँ खाली जगह में शब्द को भरना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। बच्चों ये शब्दों को सही क्रम में सजाकर लिखना है, वाक्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क पेड़ पर सात चिड़िया डैश थी। बच्चों ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें से सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के आंसर आपके वेबसाइट पर दिए जाएंगे। उसे खोलकर अपनी पुस्तक और वर्क कार्य की कॉपी में लिखेंगे। जिन बच्चों के पास वर्क कार्य की कॉपी नहीं है वे उसे रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।